दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताने आया हूं, वो ये कि इंडस्ट्री में एज एन एक्टर आपको कितना पे होता है, मीन्स आपकी सैलरी क्या होती है या फिर आपको कितना पेमेंट मिलता है आप कोई भी काम करते हो तो। और ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप एक एज एन एक्टर मीन जिसका अगर देखा जाए, जब तक सिलेक्शन ना हो जब तक उसका कोई वजूद नहीं है, और जब सिलेक्शन हो जाए तो उसका बहुत बड़ा वजूद है। सो ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एज एन एक्टर आपकी सैलरी क्या होती। सो देखिए, आप एकदम इतने बड़े एक्टर नहीं बन सकते कि आपको 50-60 हज़ार रुपये पर डे या फिर पर मंथ के हिसाब से या फिर जो भी है वो मिलता रहे। लेकिन जो एग्जैक्टली जो शुरुआत होती है वो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि वो मैं खुद वहाँ से निकला हूँ, उस दौर से मैं गुजरा हूँ, तो जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है या जिस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि वो मैं कर चुका हूँ। तो जो शुरुआती दौर में जब आप किसी भी सीरियल्स में आप सेलेक्ट होते हो, राइट, तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है उसको सैलरी बोल सकते हो या फिर आपका पर डे का कन्वेंस के बेसिस पे या फिर आपके वर्क के बेसिस पे वो आपको मिल जाता है। इट मीन्स जो आपका पर डे बेसिस पे आपको जो रखा जाता है वो प्रोडक्शन हाउस से आपकी डील होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म काम है तो उसमें क्या सैलरी होती है, क्या लगता है आपको? व्हाट यू थिंक? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये? बड़ी दुविधा है ना, दिमाग में घुसता नहीं है जब तक। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आप काम करेंगे किसी भी सीरियल में, तो सबसे पहले जो आपका जो सैलरी होती है वो होती है पर डे के अकॉर्डिंग, और जब आप वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आप एक क्राउड के लिए सेलेक्ट हुए हो या फिर जूनियर आर्टिस्ट के लिए या फिर वन डे टू डे के लिए, और मींस सपोर्टिंग रोल या फिर आपका मतलब करेक्टर पैरेलल है या फिर लीड है, क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो नॉर्मली जो स्टार्टिंग है या फिर क्राउड में आप हो या जूनियर आर्टिस्ट में हो तो उनका 400-500 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से उनका शुरुआत हो जाती है। क्राउड में हो तो भी 1000-1200-1500 से स्टार्टिंग हो जाती है, 1200 रुपये पर डे के हिसाब से है, इतना ही बता रहा हूँ, वो पर डे बेसिस पर है अभी। और जब आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर आप काम कर रहे होते हो, तो स्टार्टिंग लेवल आपका वही होता है कि आपको 1500 रुपये तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। एक दिन के काम के आपको 1500 रुपये मिल जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है चैनल्स के ऊपर भी कि वो चैनल की बजट उस वक्त क्या है, कि अगर आप बाई चांस, सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट होना पड़ता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो देन उसके बाद आपको बजट बताते हैं कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका बजट इतना है, क्या आप रेडी हैं इस वर्क को करने के लिए, आपका ये रोल है और इसमें मैं आपको इतने दिन का काम है। तो अगर आप एग्री हो जाते हैं तो आपको 1500 रुपये, 2000 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाता है। ये छोटे से एक दो दिन के काम के लिए होता है। और अगर आपका एक अच्छा काम है, कोई अच्छे लीड में आप लीड के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सीरियल में आप दिखाई दोगे या फिर आप एक सीन में दिखाई दोगे किसी भी सीन में, तो उसमें भी अच्छा खासा आपको पेमेंट मिल सकता है पर डे के हिसाब से। अगर आप कहा जाए तो उसमें पर डे के हिसाब से आपको 3000-2500 से स्टार्टिंग होकर 6000 तक आपका पूरा का पूरा बजट जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि सावधान इंडिया का बजट कितना होना चाहिए। एक एज एन एक्टर जो सावधान इंडिया में जो वर्क करते हैं या जो काम करते हैं एज एन एक्टर, उनकी सैलरी क्या होती है? ऐसा गुड क्वेश्चन यार, ये जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन ऐसी होती है कि आप कितना भी जब कमाइए कम नहीं है, ज़्यादा ही पड़ता है, राइट। तो पेमेंट बहुत अच्छा है, और एज एन एक्टर अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक सीरियल चल रहा है जिसमें थपकी प्यार की का कुछ सीन है, जो मेरा सीन है, इसमें मुझे कितना मिला होगा? ये पर डे बेसिस पर मुझे सेलेक्ट किया गया था और इसमें मुझे 5000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मुझे पे हुआ था। प्रोडक्शन हाउस ने मुझे ये पैसे दिए थे। सो इट्स अ वेरी गुड के आप अगर सीनियर आर्टिस्ट होते चले जाते हो, इट मीन्स आपकी जो लेवल है थोड़ा अप होता चला जाता है, तो आपको आपका पेमेंट भी बढ़ता चला जाता है, आप और अच्छे लेवल पर काम करना शुरू कर देते हो। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि आप
अगर इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो ये सोच कर आइएगा कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने पहले जब मैं गया था तो मैंने सोच कर ही शुरू करा था कि कैसे आप शुरुआत करोगे और कैसे आप पहुंचोगे इंडस्ट्री में। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या सैलरी होती है और किस तरीके से आपको पेमेंट मिलता है, और पेमेंट जो आपको मिलेंगे वो सारा चेक के थ्रू मिलेंगे, तो आपका अकाउंट होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो प्लीज़ एक अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिएगा अपना। एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा भी कि कैसे आप अपने आप को इंडस्ट्री में टिका सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप पूछना चाह रहे हो, राइट। तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिए हुए हैं उसमें आप मुझे कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं इंडिविजुअल रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। अगर मैं कोशिश करता रहता हूँ और आप लोगों को सही और सटीक आंसर देने की पूरी फिराक और पूरी कोशिश में रहता हूँ कि आप लोग कहीं फंस ना जाएं, क्योंकि आजकल बहुत जगह फेक है यार। डोंट वरी, डरो मत, लेकिन करो, ठीक है। हर चीज़ हर इंसान कर सकता है, सबके लिए वो चीज़ खुली हुई है, आपके लिए भी खुली हुई है। आप जाइए, बेझिझक जाइए और जाकर काम कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।